हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे ना प्रताप क्लासेस पर। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में अपने बात कर रहे थे, उसी क्रम को जारी रखते हुए आज अपने पूरे 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेशों को कंप्लीट कर देंगे। शुरू करते हैं। आइए, पांचवा अपना, सबसे पहले अपने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, ये चारों क्लियर कर चुके हैं। आज अपने विश्लेषण करेंगे पुडुचेरी का। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी, 56। इसके अंतर्गत 4 ज़िले आते हैं जिसके नाम हैं यमन, क्राइकल, माहे और पुडुचेरी। पुडुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है। ये पर्सन इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से राज्य हैं। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ज़िले कौन कौन से हैं? माहे, क्राइकल और यमन। यहाँ विधानसभा सीटें की संख्या 30 है और लोकसभा सीटें 1 है। प्रमुख भाषा अगर पुडुचेरी की देखी जाए तो मलयालम इसके प्रमुख भाषा है। पर्यटन स्थल आपको यहाँ देखने को मिलेगा अर्कमेडी और ओरविले आश्रम। ओरविले आश्रम की स्थापना अरविंद जी घोष ने की थी और अर्कमेडी जो कि पर्यटन स्थल है, यहाँ पर आपको रोमन वस्तुएं देखने या ख़रीदने को मिलती हैं। यह 3 राज्यों में स्थित है, मैंने बताई दिया है। मुख्यमंत्री यहाँ के नारायण स्वामी है। 2006 से पहले इसका नाम पुडुचेरी था, पुडुचेरी, लेकिन 2006 के बाद इसका नाम बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया। एग्ज़ाम की दृष्टि से पुडुचेरी के लिए बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। दूसरा अपने बात करें लक्षद्वीप, अपना 6ठा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। लक्षद्वीप की स्थापना भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखा जाए तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप ही है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी सबसे छोटा है। जनसंख्या की दृष्टि से भी देखा जाए तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जो लक्षद्वीप है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश मैंने बताया कि लद्दाख है। पहले दिल्ली था, उसके बाद लद्दाख हो गया। लद्दाख के बाद अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देखा जाए तो दिल्ली है। दिल्ली जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लद्दाख। और दूसरा ओपोजिशन में देखें कि सबसे छोटा यूनियन टेरेटरी तो लक्षद्वीप, चाहे क्षेत्रफल लगा लीजिए चाहे अपने जनसंख्या की दृष्टि से लगा लीजिए। लोकसभा सीटें यहाँ 1 है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, भारत का एक नौसेना केंद्र भी इस द्वीप के अंदर बना हुआ है। एकमात्र ऐसा द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। यह अरब सागर में द्वीप है और एकमात्र ऐसा द्वीप है जो प्रवाल द्वीप या पठारी
मान लो प्रवाल द्वीप, यह एक मात्र प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप का मतलब होता है कि छोटी छोटी पहाड़ियों पर बना हुआ है, अपने एकत्रित नहीं कह सकते जैसे अंडमान निकोबार बना हुआ है। और इसका सबसे खास जो प्रसिद्ध द्वीप है वो है अंतरो द्वीप। एक और बात बताना भूल गया मैं कि लक्षद्वीप में छोटे 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 द्वीपों की संख्या कुल 36 है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लक्षद्वीप में अपने को कितने द्वीप देखने को मिलते हैं। दूसरा, अगर सबसे ज़्यादा देखें तो सबसे ज़्यादा द्वीप अंडमान निकोबार में 572 द्वीप हैं। अगला अपने सातवां अपने द्वीप करेंगे केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल पर स्थित है। ये इसकी कई बार पूछा जा चुका है कि 10 डिग्री चैनल निम्न में से किस स्थान पर है, तो ये है अंडमान निकोबार में। और इसका जो दक्षिणम पॉइंट है इसको बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार भी बोला जाता है। और भारत का अगर दक्षिणतम बिंदु देखा जाए तो वो है इंदिरा पॉइंट या इंदिरा कोल। भारत का सबसे दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो कि सैंडल पीक है, सबसे ऊंची चोटी यह है उत्तर अंडमान में स्थित है। उत्तर अंडमान में स्थित है। यहाँ की प्रमुख जनजाति जारवा, सेटिनल और निकोबारी जनजातियाँ प्रमुख पाई जाती हैं। इसमें तीन प्रमुख द्वीप हैं जिनका अपने जिक्र करेंगे। सबसे प्रमुख द्वीप है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। पर्यटन स्थल की दृष्टि से यह सबसे मशहूर द्वीप है सुभाष चंद्र बोस। दूसरा द्वीप है प्रसिद्ध स्थल जो कि स्वराज द्वीप है। तीसरा शहीद द्वीप है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है, अंडमान में स्थित है। और यह 10 डिग्री चैनल पर स्थित है। इसमें द्वीपों की संख्या 572 है। यहाँ की प्रमुख भाषा अगर आपने देखें तो हिंदी और अंग्रेजी है। एकमात्र ऐसा द्वीप है इसकी अपनी उच्च न्यायालय जो कोलकाता में स्थित, इसको उच्च न्यायालय कोलकाता में लगता है। लास्ट आठवां और अंतिम यूनियन टेरेटरी अपने पढ़ेंगे दादर नगर हवेली या दमन द्वीप। मैंने पहले भी आपको वीडियो के अंतर्गत बताया था कि पहले ये दोनों अलग अलग द्वीप थे, लेकिन जब से लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग हुए उसके बाद इनको अब कुछ ही समय पहले इनको इकट्ठा कर दिया गया है। इनकी स्थापना 26 जनवरी 2020 को की गई थी। इनकी राजधानी दमन को बनाया गया है। लोकसभा की सीटें यहाँ दो है। प्रमुख भाषा कोंकणी और गुजराती है। यहाँ की प्रमुख नदी है जो दमन गंगा है। और पर्यटन स्थल अपने को देखने को देखें तो गंगेश्वर मंदिर यहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल है। दोनों को इकट्ठा करके इसकी राजधानी यह महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर स्थित है। दमन इसकी प्रमुख राजधानी बना दी गई है। केंद्र शासित प्रदेशों में अपने 8 केंद्र शासित प्रदेश थे जिनकी मैंने ट्रिक आपको पहले भी बता चुका हूँ और ये मैंने आपको समझाया था। आज अपने केंद्र शासित प्रदेश पूरे हो गए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।